जी बिस्मिल्लाह सर्कुलेशन के लेक्चर्स चल रहे हैं, तो उसमें जो अब तीसरा और चौथा लेक्चर है जो मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ वो है इंटरस्टिशियम और इंटरस्टिशियल फ्लूड के बारे में और स्टारलिंग फोर्सेस के बारे में। ये लेक्चर हम डिलीवर करेंगे। तो सबसे पहले इंटरस्टिशियम और इंटरस्टिशियल फ्लूड शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कैपेलिस के बारे में बता। तो ये है हमारे आर्टेरियल एंड और ये है वीनस एंड। फिर ये आर्टरीज की बन जाती हैं मेट आर्टेरियोल्स, यहाँ पर एक कैपिलरी स्फिंक्टर्स होते हैं और इनमें चैनल्स होते हैं। फिर ये एनास्टोमोस करती हैं बिफोर ये कैपिलरीज बनती हैं जिनको हम कहते हैं ट्रू कैपिलरीज, और फिर इसी तरह ये वेन्यूल्स। अबाउट 10 बिलियन ऑफ कैपिलरीज इन द बॉडी आर प्रेजेंट। सर्फेस एरिया इज अबाउट 600 to 700 स्क्वेयर मीटर एंड देर आर द स्फिंक्टर्स इन द कैपिलरीज दैट कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। अब ये कैपिलरी वाल का एक स्ट्रक्चर है। ये कैपिलरी वाल का स्ट्रक्चर आप देखें कि इसमें ये देखें कि ये एंडोथीलियल सेल्स हैं, इसमें ये कैवली प्रेजेंट होते हैं। कैविलीज आर द फास्फोलिपिड्स, फिंगोलिपिड्स, क्लिस्ट्रोल, और इसकी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। तो ये एक स्ट्रक्चर है कैपिलरी वॉल का। कैपिलरी वॉल्स में मुख्तलिफ किस्म के पोर्स होते हैं जहाँ से जो मूवमेंट्स ऑफ द फ्लूड होती है। और अब हम आते हैं ये यानी कैपिलरीज के थ्रू जो है मूवमेंट होती है सेल्स की और मूवमेंट की। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि इंटरस्टिशियम एंड इंटरस्टिशियल फ्लूड क्या है। द स्पेस बिटवीन द सेल्स इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियम एंड वट एवर इज द फ्लूड दैट इज प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियम इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल फ्लूड। इट इज 1/6 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। हियर यू कैन सी दैट द इंट्रा सेलुलर फ्लूड इज अबाउट 67%, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड इज 33%। इंट्रासेलुलर फ्लूड इज 67% एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड इज 33%। अमंग द 33% 26% यानी मेजर पोर्शन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड का 26% वो है इंटरस्टिशियल फ्लूड, जबकि इंट्रा वास्कुलर फ्लूड जो वेसल के अंदर जो फ्लूड है वो सिर्फ 7% है जो कि प्लाज्मा होता है, और सिर्फ 8% जो है वो CSF होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड। यानी कि इंट्रा सेलुलर फ्लूड का जो मेजर पोर्शन है इंट्रा सेलुलर फ्लूड वो है 67% और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड का जो मेजर पोर्शन है वो है इंटरस्टिशियल फ्लूड 26%। थोड़ा सा जो है इंट्रा वास्कुलर होता है यानी 7% और जस्ट 1% जो है वो CSF होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड होता है। या ग्रॉसली स्पीकिंग हम कह सकते हैं के इंट्रा सेलुलर फ्लूड 67% और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड जो है वो 33% होते हैं। दोबारा से इंटरस्टिशियम द स्पेसेस बिटवीन द सेल्स आर कॉल्ड एज इंटरस्टिशियम एंड द फ्लूड प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियम इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल फ्लूड। अब हम आते हैं कि इंटरस्टिशियम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी दिस डायग्राम। हियर इज वन सेल, दिस इज द वन सेल एंड दिस इज द other cell and the space between these cells is called as interstitium or interstitium mein kya hota hai ki ye dekhen ye red color ke these are the collagen fibers aur ye jo thin se bahut hi thin these are called as proteoglycan filaments collagen fibers and proteoglycan filaments and there are the free fluid in the interstitium collagen fibers these are the long distance interstitium they are strong and provide the strength through the tissue proteoglycan filaments these are thin and coiled and twisted and they are composed of hyaluronic acid and proteins most of time 98% is the hyaluronic acid the combination of proteoglycan filaments and fluid entrapped within them has the characteristics of a gel and is called as tissue gel yani ki fluid ka और प्रोटीओग्लाइकिन जो फिलामेंट्स हैं इसका जो कॉम्बिनेशन है उसको हम एक जेल कहते हैं, जेल एक जेल बन जाता है।
Now comes the Starling forces. Starling forces, kya hai? You see this diagram? And then comes the Starling forces. Number one, capillary hydrostatic pressure, PC. Capillary hydrostatic pressure. Number two, interstitial fluid hydrostatic pressure. Interstitial fluid hydrostatic pressure. And on the third place is the colloidal osmotic pressure of plasma capillaries. Colloidal osmotic pressure of the plasma present in the capillaries. And lastly is the colloidal osmotic pressure of the interstitial fluid. So you can see that there are two hydrostatic pressures and two colloidal osmotic pressures. Hydrostatic pressure, one is of capillaries and the other one is of interstitium. In the same way, colloidal osmotic pressure are two. One is of the plasma in the capillaries and the other one is of interstitial fluid. ये चार चीजें अध्ययन में रखें अगर हमने स्टारलिंग फोर्सेस को समझना है. स्टारलिंग फोर्सेस को समझने के लिए चार चीजें हैं, फिर ही हमें पता चलेगा कि फ्लूड की जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में होती है. जब तक कि हमें ये फोर्सेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स आर टू, वन इज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, अदर वन इज द इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर आर टू, वन इज ऑफ द कैपिलरी and the other one is of the interstitium. Now come towards the capillary hydrostatic pressure, the first one. Ab jo capillary hydrostatic pressure ya PC jisko hum kehte hain, Pearl Continental Hotel kehte hain, PC ya capillary hydrostatic pressure, it tends to force the fluid outward from the capillary membrane. Yani ki hydrostatic pressure jitna zyada hoga, फ्लूड की मूवमेंट कैपिलरीज से बाहर की तरफ उतनी ही ज्यादा होगी. नंबर टू इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूड. अब इंटरस्टिशियम में यानी सेल्स के बाहर इंटरस्टिशियम में जो फ्लूड है उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है? यह क्या करता है कि यह करेगा फ्लूड को इनवर्ड मूवमेंट्स टू द कैपिलरी मेम्ब्रेन. ये जो कैपिलरी मेम्ब्रेन है, ये देखिए, ये कैपिलरी मेम्ब्रेन है. इसमें जो कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा वो तो मूवमेंट करेगा आउटसाइड ऑफ द कैपिलरीज, और जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंटरस्टिशियम का होगा वो जितना ज्यादा होगा या उसका काम ये है कि वो मूवमेंट करेगा टुवर्ड्स द कैपिलरीज. नंबर थर्ड इज द कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरीज, प्लाज्मा इन द कैपिलरीज. ये जो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है इसका काम ये होता है कि ये लाइक ए मैग्नेटिक काम करता है. कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करेगा कि ये थ्रू द ऑस्मोसिस ये अट्रैक्ट करता है फ्लूड को इनवर्ड टुवर्ड्स द कैपिलरीज. ये फ्लूड को कैपिलरीज की तरफ मूव करवाता है इनवर्ड. और कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूड वो क्या करेगा, वो भी मैग्नेटिक की तरह एक्ट करेगा. वो क्या करता है कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू वो जो फ्लूड है उसको कैपिलरी से अपनी तरफ खींचेगा. अगेन ये जो कोलाइडल ऑस्मेटिक प्रेशर कैपिलरी के अंदर है वो अपनी तरफ खींचेगा फ्लूड को बाहर से या इंटरस्टिशियम से, और जो कोलाइडल ऑस्मेटिक प्रेशर है इंटरस्टिशियम में वो भी अपनी तरफ खींचेगा, वो कैपिलरी से फ्लूड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो ये चार फोर्सेस जो है इनको हम कहते हैं स्टारलिंग फोर्सेस. ये देखिए, अब एक ये कैपिलरी है. अब ये जो कैपिलरी का जो प्रेशर है, ये वाला पीसी जिसको हमने बोला हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, बेसिकली इट इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरी. इट टेंड्स टू मूव द फ्लूड आउटवर्ड फ्रॉम द कैपिलरीज. और इंटरस्टिशियल फ्लूड प्रेशर जो है इट टेंड्स टू मूव द फ्लूड इनसाइड द कैपिलरीज. Now come the colloidal osmotic pressure in the plasma. It tends to move the fluid inside the capillaries like magnetic. अपनी तरफ attract करता है, खींचता है.
और इसी तरह ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये भी मैग्नेटिक की तरफ एक्ट कर की तरह एक्ट करता है, ये फ्लूड को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब क्या पता चला कि ये जो दो फोर्सेस हैं, यानी एक पीसी यानी कैपिलरी प्रेशर और इंटरस्टिशियल फ्लूड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये दोनों क्या करती हैं कि ये मूवमेंट ऑफ द फ्लूड आउटसाइड द कैपिलरी करते हैं, और ये जो दो फोर्सेस हैं इंटरस्टिशियल फ्लूड प्रेशर यानी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, इनका जो ये जो है ये फ्लूड को की मूवमेंट करती है इनसाइड द कैपिलरीज, ये इनसाइड कैपिलरीज मूवमेंट करती है। यू कैन सी फ्रॉम अदर डायग्राम कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो ग्रॉसली स्पीकिंग, जो अभी मैंने आपको बताया कि ये दोनों प्रेशर जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, खासतौर पे ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ऑफ द कैपिलरी मेम्ब्रेन, इट विल टेंड्स टू मूव द फ्लूड आउटसाइड ऑफ द कैपिलरीज, आउटसाइड ऑफ द कैपिलरीज। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूड वो क्या करेगा, मूव करेगा फ्लूड को इनसाइड। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इंटरस्टिशियल फ्लूड का, ये करेगा मूवमेंट टुवर्ड्स द कैपिलरीज। अब हम आते हैं कि अब ये जो चारों फोर्सेस हैं ये किस तरह काम करती हैं और नेट रिजल्ट क्या होता है, इसके लिए एक फार्मूला है, इसको हम कहते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू पीसी माइनस पीआईएफ, यानी कैपिलरी प्रेशर माइनस इंटरस्टिशियल प्रेशर इन ब्रैकेट, देन माइनस ब्रैकेट कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द प्लाज्मा इन कैपिलरीज प्लस कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये फार्मूला है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर को कैलकुलेट करने का। अब क्या है कि अगर इन सारी फोर्सेस को यहां हम पुट कर दें और हमारे पास नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है ये पॉजिटिव आ जाए, दिस मीन्स दैट देयर इज द नेट फ्लूइड फिल्ट्रेशन अक्रॉस द कैपिलरीज। कि अगर ये NFP नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हमारे पास पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब ये है कि फ्लूड कैपिलरीज से आउटसाइड मूव कर रहा है। अगर ये नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब ये है कि फ्लूड इंटरस्टिशियम से टुवर्ड्स द कैपिलरी जा रहा है। अब नॉर्मली क्या होता है कि NFP नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो स्लाइटली स्लाइटली पॉजिटिव होता है। जब स्लाइटली पॉजिटिव होगा तो there will be slight movement of the fluid from capillaries to the interstitium. दोबारा से बता देता हूं कि net filtration pressure is positive. This means that the fluid is moving from capillaries to outside. If net filtration pressure is negative, this means that fluid is moving inside the capillaries. Now comes the फिल्ट्रेशन कोफिशियंट। फिल्ट्रेशन कोफिशियंट, द रेट ऑफ फ्लूड फिल्ट्रेशन इज आल्सो डिटरमाइंड बाय द नंबर्स एंड साइज ऑफ पोर्स इन द ईच कैपिलरी, आल्सो द नंबर ऑफ कैपिलरीज। दीज फैक्टर्स आर एक्सप्रेस्ड इन द कैपिलरी फिल्ट्रेशन कोफिशियंट, इसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन कोफिशियंट। So, क्या हुआ फिल्ट्रेशन कोफिशियंट बेसिकली ये एक मेजर है एक कैपिलरी मेम्ब्रेन की कैपेसिटी के लिए कि वो कितना जो है अगर हम इसको देखें तो वो कितना फ्लूड को फिल्टर करती है इन ए गिवन नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर में। तो जो फिल्ट्रेशन है वो इक्वल होगा फिल्ट्रेशन कोफिशियंट मल्टीप्लाइड बाई द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। अब हम आते हैं इनकी थोड़ी सी डिटेल कि इनको मेजर कैसे करते हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कैपिलरी का, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरी विच टेंड्स टू मूव द फ्लूड आउटसाइड ऑफ द कैपिलरीज, विच एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज, सो इट टेंड्स टू मूव द फ्लूड आउटसाइड ऑफ द कैपिलरीज, इसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरी या कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये जो कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है इसको मेजर करते हैं दो तरीकों से। एक तो है कि माइक्रोपिपेट मेथड फॉर मेजरिंग द कैपिलरी प्रेशर, एक माइक्रोस्कोपिक ग्लास पिपेट इज डायरेक्टली पुट इनटू द कैपिलरीज एंड प्रेशर इज मेजर्ड बाय द
एक माइक्रो मैनोमीटर। और ये जो कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है डिफरेंट टिश्यूज में ये डिफरेंट होता है, लेकिन एवरेज जो है कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो 25 मिलीमीटर ऑफ एचजी है एवरेज इन द गट एंड स्केलेटल मसल। और आर्टेरियल एंड पे ये 30 होता है और वीनस एंड पे 10 होता है। दूसरा तरीका है जो कि इनडायरेक्ट ये कैपिलरी प्रेशर को मेजर करने का है, इसको हम कहते हैं आइसोग्रेविमेट्रिक मेथड। इससे भी हम कैपिलरी प्रेशर मेजर कर लेते हैं, आइसोग्रेविमेट्रिक मेथड। ये देखें ये कैपिलरी है, उसको हम ये इधर वेट रख के इसके जरिए करते हैं। अब सेकंड फोर्स आ जाती है, पहली थी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरी एंड द अदर वन इज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये भी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, ये प्रेशर एग्जर्ट करेगा आउटसाइड ऑफ द कैपिलरी, यानी कि इट टेंड्स टू मूव द फ्लूइड इनसाइड द कैपिलरी। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये लिम्फेटिक सिस्टम की पंपिंग क्रिएट करता है। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन मोस्ट ऑफ द नेचुरल कैविटीज ऑफ द बॉडी वेयर देयर इज फ्री फ्लूइड द प्रेशर दैट हैव बीन मेजर्ड इज नेगेटिव, वो नेगेटिव होता है। इंट्राफ्लूरल स्पेस में -8 होता है, जॉइंट की स्पेस में -4 to -6 होता है और एपिड्यूरल स्पेस में -4 to -6 होता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर इन टाइटली एनकेस्ड टिश्यूज, टाइटली एनकेस्ड टिश्यू जैसे कि ब्रेन है, किडनीज के राउंड एक स्ट्रॉन्ग कैप्सूल है, इसी तरह शीथ अराउंड द मसल्स है और स्क्लेरा अराउंड द आई है। ये इनको हम कहते हैं कि टाइट इनकेसमेंट, ये कि टिश्यू जो है वो टाइटली जो है वो एनकेस्ड है। इन सब टिश्यूज में जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज लेस देन द प्रेशर एग्जर्टेड ऑन आउटसाइड ऑफ द टिश्यूज बाय देयर एनकेसमेंट। इंटरस्टिशियल फ्लूइड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं, तो करते हैं डायरेक्ट कैनुलेशन ऑफ द टिश्यू बाय द माइक्रोपिपेट, ये जो इंटरस्टिशियम है उसमें डायरेक्ट कैनुला इंसर्ट कर दिया और फिर मेजरमेंट कर ली प्रेशर की। और या इसका ये देखें कि मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर, डायरेक्ट कैनुलाइजेशन इन द इंटरस्टिशियम, इस तरीके से इसको मेजर करते हैं। अब आ जाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर भी दो थे, एक था ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द प्लाज्मा इन द कैपिलरीज और दूसरा था ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द इंटरस्टिशियम। कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर वो है 28 मिलीमीटर ऑफ एचजी, तो 19 मिलीमीटर इज कास्ट बाय द प्रोटीन एंड 9 मिलीमीटर इज कास्ट बाय द डोनेंस इफेक्ट। प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है मेनली जो है ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है उसकी वजह से होता है। और ये जो प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है ये अट्रैक्ट करता है, ये मूवमेंट करता है फ्लूइड की टुवर्ड्स द कैपिलरीज और इट इज ड्यू टू द प्लाज्मा प्रोटीन स्पेशली एल्ब्यूमिन। डोनेंस इफेक्ट क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर एक तो प्रोटीन से हो गया, दूसरा डोनेंस इफेक्ट, वो होता है सोडियम पोटेशियम और दूसरे केटाइन्स के जरिए जो कि ये प्रोटीन अपने साथ बाउंड कर लेती है, इसको हम कहते हैं डोनेंस इफेक्ट। अब ये देखें कि देर आर अबाउट 4.5 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ एल्ब्यूमिन और ये जो प्रेशर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जर्ट करती हैं वो 21.8 है, जबकि ग्लोबुलिन 6 करती हैं और बाकी फाइब्रिनोजेन तो करती ही नहीं है, तो हमारे पास टोटल ये 28 आ गया। यानी कि मेन जो है एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन की रेशियो भी निकाली जाती है मुख्तलिफ डिजीजेस में, तो मेन जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है कैपिलरीज के अंदर प्लाज्मा का है वो है एल्ब्यूमिन की वजह से, और एल्ब्यूमिन की जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है वो भी ज्यादा 4.5 ग्राम पर डेसीलीटर और इसका प्रेशर भी 21.8 है, ये 22 है, हम कह सकते हैं कि 22 है, ग्लोबुलिन का ओनली 6 है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने अभी बताया कि डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व इन द
फ्लूड रादर देन बाय द मास, कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने ज्यादा होंगे उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। एल्ब्यूमिन का मॉलिक्यूलर वेट 69,000 है, ग्लोबुलिन का 1,40,000 है। तो ये क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि इनके मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड नहीं करता ऑस्मोटिक प्रेशर के। ग्लोबुलिन का मॉलिक्यूल चूंकि हैवी है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा का नहीं, एल्ब्यूमिन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा होते हैं, ऑल्दो इसका जो वेट है वो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम होता है। यानी 80% ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर इन द प्लाज्मा इज ड्यू टू द एल्ब्यूमिन, ओनली 20% इज फ्रॉम द ग्लोबुलिन एंड नन फ्रॉम द फाइब्रिनोजेन, यानी 0.2 फाइब्रिनोजेन से कोई भी कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं है। मेनली वही आ जाता है कि 80% इज फ्रॉम द एल्ब्यूमिन, ओनली 20% फ्रॉम द ग्लोबुलिन। अब लास्ट जो स्टार्लिंग फोर्स है वो है कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब जाहिर सी बात है कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ये मैंने अभी बताया कि मैग्नेटिक का काम करता है, तो ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का होगा ये क्या करेगा कि ये मूवमेंट करेगा फ्रॉम द कैपिलरीज टुवर्ड्स द इंटरस्टिशियल, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड का एवरेज जो है प्रेशर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर वो कितना है, वो 8 है, 8। और इंटरस्टिशियम में 40% जो है एवरेज प्रोटीन कंसेंट्रेशन ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज 40% ऑफ दैट ऑफ द प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा में जितना के प्रोटीन होते हैं उसका सिर्फ 40% जो होती है वो प्रोटीन इंटरस्टिशियम में होती है। ये होगी स्टारलिंग फोर्सेस। अच्छा जी, अब हम ये देखें कि फोर्सेस का एक फिल्ट्रेशन एट द आर्टेरियल एंड ऑफ द कैपिलरीज, आर्टेरियल एंड ऑफ द कैपिलरीज पे कौन कौन सी फोर्सेस हैं कि जो टेंड टू मूव द फ्लूइड आउटवर्ड। एक तो कैपिलरी प्रेशर ये आउटवर्ड करेगा, इसका मेन रोल है 30, इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर इंटरस्टिशियल, और नेट जो हमारे पास टोटल आ जाता है वो 41 है। फोर्सेस टेंड्स टू मूव फ्लूइड इनवर्ड वो कितनी है, वो है 28 टोटल। तो 41 माइनस 28 तो हमारे पास नेट आउटवर्ड फोर्स एट द आर्टेरियल एंड आ गई 13 कि यानी कि 13 के डिफरेंस मिलीमीटर ऑफ एचजी से फोर्सेस जो है वो एक्ट करेंगी, ये फ्लूइड को मूव करेंगी आउटवर्ड एट द कैपिलरी एंड। 13 मिलीमीटर ऑफ एचजी के साथ आर्टेरियल एंड ऑफ द कैपिलरी से फ्लूइड जो है वो कैपिलरी से आउटसाइड मूव। अब आ जाती है कि वीनस एंड पे रीअब्सॉर्प्शन होनी है, तो वो किस तरीके से होती है, वो नेट जो फोर्स है वो 7 मिलीमीटर पे एचजी से। यहां पे भी ये कैलकुलेट किया हुआ है कि प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर 28 28, ये नेट 0 हो गया, नहीं सॉरी 28 प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है तो 28 हो गया, फोर्सेस जो मूव आउटवर्ड करती हैं वो 21 28 माइनस 21, वो 7 हमारे पास आ गया। रीअब्सॉर्प्शन जो है एट द वीनस कैपिलरी एंड पे वो 7 मिलीमीटर ऑफ एचजी के हिसाब से होती है। ये हो गया स्टारलिंग फोर्सेस, फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट ये भी हम पहले देख चुके हैं। अब जब भी ये फोर्सेस एबनॉर्मल होती हैं तो क्या होता है कि एडिमा डेवलप हो जाता है, एडिमा। अब व्हेनेवर देयर इज लो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हेनेवर देयर इज यानी जब कभी प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल लो होगा तो एडिमा डेवलप हो जाएगा। एक डिजीज है बच्चों में, उसको हम कहते हैं क्वाशियोरकोर, इसमें यही होता है कि बच्चों में प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है, इफ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन देयर इज द डेवलपमेंट ऑफ एडिमा। हार्ट फेलियर में भी एडिमा डेवलप होता है। हार्ट फेलियर के कुछ कार्डिनल साइंस हैं कि बाइलेटरल लोअर लिंब एडिमा होता है, ये बाइलेटरल लोअर लिंब एडिमा होता है। पेशेंट जो है लाइंग फ्लैट, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, इसको हम कहते हैं ऑर्थोपनिया। जब भी पेशेंट कहता है कि जब भी मैं सीधा लेटता हूं तो मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है, मैं उठ के बैठ जाता हूं तो सांस ठीक आता है, क्योंकि पल्मोनरी एडिमा डेवलप हुआ होता है। जब वो सीधा लेटता है तो ये फ्लूइड जो है वो पूरे लंग्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जब वो बैठता है तो ये ड्यू टू ग्रेविटी फ्लूइड जो है वो बेसिस में आ जाता है, जिसकी वजह से ऊपर वाले लंग्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं और पेशेंट कैन ब्रीथ इजीली इन सिटिंग पोजीशन और लीनिंग फॉरवर्ड। और तीसरा इसका साइन जो है वो ये है कि पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिज़निया, कि रात के वक्त अचानक पेशेंट की आंख खुल जाती है और वो कहता है खिड़कियां खोल दो, दरवाजे खोल दो, मुझे सांस नहीं आ रहा।
और ये जो अडीमा है ये पुलोरल इफ्यूजन हो जाती है, पल्मोनरी अडीमा हो जाता है, अबडामिनल स्वेलिंग हो जाती है, पेट में पानी पड़ जाता है जिसको हम एसाइटिस कहते हैं, और बाइलेटरल लोअर लिम्ब की स्वेलिंग हो जाती है, ये अडीमा। अब जाता है अडीमा इन एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस एक डिजीज है जिसमें यूनिलेटरल अडीमा होता है ड्यू टू द लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। दिस इज पेरीऑर्बिटल एडिमा इन द रीनल डिजीज। रीनल डिजीज में अर्ली मॉर्निंग या थ्रू आउट द डे देर विल बी द पेरीऑर्बिटल एडिमा। ये सारे जो है एडिमा, ये जो एडिमा की मेन जो कॉजेज है वो यही होती है कि ऐसे पेशेंट्स में जो है ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो फॉल कर जाता है ड्यू टू द लॉस ऑफ द proteins, plasma proteins, especially the albumin. As a result of that, edema will develop because the fluid will accumulate in the interstitial space. क्योंकि vessels के अंदर plasma protein कम हो गई। अब जो colloidal osmotic pressure जो होता है, अभी हमने जैसे discuss किया कि colloidal osmotic pressure of the plasma inside the capillaries वो एक magnet का काम करता है, वो अट्रैक्ट करता है, वो मूवमेंट करता है फ्लूड की टुवर्ड्स द वेसल्स, टुवर्ड्स द कैपिलरीज। लेकिन जब प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होगी इनसाइड, तो जो इंटरस्टिशियल स्पेस में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। वो क्या करेगा, जो भी फ्लूड है वो कैपिलरीज से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि कैपिलरी का जो है ऑस्मोटिक प्रेशर तो है नहीं क्योंकि वहां पर प्रोटीन नहीं है। इंटरस्टिशियल का जो है ऑस्मोटिक प्रेशर तो पड़ा हुआ है, वो फ्लूड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जब वो फ्लूड को खींचेगा तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इंटरस्टिशियम में स्वेलिंग हो जाएगी, एडिमा फ्लूड एक्युमुलेट हो जाएगा और एडिमा डेवलप हो जाएगा। ये है मैकेनिज्म ऑफ हाइपोप्रोटीनीमिया के जिसमें एडिमा डेवलप हो जाता। ये हमारे दो लेक्चर जो हैं वो चूंकि अलग अलग डिलीवर करने में ये प्रॉब्लम था, ये दोनों लेक्चर जो हैं इंटरकनेक्टेड थे, तो इसलिए ये दोनों लेक्चर जो हैं वो मैंने इकट्ठे दिए हैं। एक शॉर्ट सा समरी बता रहा हूँ, रिव्यू कर रहा हूँ, दोबारा से देख लेते हैं कि सबसे पहले एक डेफिनेशन आ जाती है इंटरस्टिशियम की। ये देखें कि ये है इंटरस्टिशियम द स्पेस बिटवीन द सेल्स। इंटरस्टिशियल फ्लूड कितना होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूड 67%, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूड 37%, 33%, 33 में से 26% जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूड होता है। फिर आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ द, ये क्या है इंटरस्टिशियम का, ये देखें कि ये स्ट्रक्चर है बिटवीन द सेल्स। ये देख लें कि ये इंटरस्टिशियम है, इंटरस्टिशियम में कोलेजन फाइबर्स होते हैं, प्रोटियोग्लाइकिन फिलामेंट्स होते हैं, प्रोटियोग्लाइकिन फिलामेंट्स और ये जो है फ्लूड जो है ये मिलके एक जेल टाइप चीज बना देते हैं। अब इसी को देखते हुए अब हम आते हैं स्टार्लिंग फोर्सेस। स्टार्लिंग फोर्सेस फोर, एक है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो कि कैपिलरी का है, और दूसरा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूड का है। ये दोनों जो है अपोजिट एक्ट करते हैं। अब तीसरी चीज जो है कोलाइडल ऑस्मेटिक प्रेशर प्लाज्मा का है, ये मूवमेंट करता है इनसाइड या फ्लूड की, और कोलाइडल ऑस्मेटिक प्रेशर जो है वो इंटरस्टिशियम का, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब इन चारों फोर्सेस जो स्टार्लिंग फोर्सेस हैं उसके नतीजे में हमारे पास नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आ जाता है। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरीज, प्लाज्मा इन द कैपिलरीज, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूड, इन दोनों को माइनस करेंगे इन ब्रैकेट्स माइनस, फिर इन ब्रैकेट्स कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन एंड कोलाइडल प्लस कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ये जो एनएफपी है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, जब ये पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब ये है कि जो फ्लूइड है वो कैपिलरीज से आउटसाइड जा रहा है। अब जब ये नेगेटिव होता है तो अब ये क्या होगा कि कैपिलरीज फ्लूइड को सक करेंगे अपनी तरफ, फ्लूड की मूवमेंट जो है वो टुवर्ड्स द कैपिलरीज है। नेगेटिव होगा तो इसका मतलब है कि फ्लूड की मूवमेंट टुवर्ड्स द कैपिलरीज है, पॉजिटिव होगा तो फ्लूड की मूवमेंट आउटसाइड ऑफ द कैपिलरीज है। फिर इनकी डिटेल है, इनकी मेजरमेंट है, और फिर नेट फोर्सेस वो हमने डिस्कस कर लें कि एट द एंड क्या होता है। फिर ये है कि कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जब डिक्रीज हो जाता है, हाइपोप्रोटीनीमिया हो जाता है यानी एल्ब्यूमिन कम हो जाती है, तो जारी सी बात है कि कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड द कैपिलरीज वो डिक्रीज हो जाता है, और इंटरस्टिशियल फ्लूड में जो क्लाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो
इंक्रीज होता है तो वो फ्लूड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, मूवमेंट होती है. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देयर इज द एक्युमुलेशन ऑफ द फ्लूड इन द इंटरस्टीशियम. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एडिमा. ओके, आपको ये समझ आ गया होगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.